पिछे ध्यान रखो दोनों मोहरे खड़े है यार कैमरे ऑन करो तुसी फड़ो ना आगे फड़ो इन जी हाँ हाई वोल्टेज ड्रामे दियां है तस्वीरां ने होशियारपुर तो जिथे विधानसभा खेतर शाम 84 दे कस्बे बुलोवाल दे विच उस वेले हंगामा हो गया जद थाने दे कोल स्थित एक कलोनी दे विच किराए दे मकान दे विच रहन वाले बुलोवाल थाने दे SHO पंकज शर्मा नू एक नौजवान लड़की दे नाल काबू कर लिया गया। दोष ने कि SHO पंकज शर्मा इत्थे गलत काम करदे ने। हद तां उस वेले होगी जद कई घंटियां दा समां बीतन दे बावजूद SHO पंकज शर्मा अपने कमरे तों बाहर नहीं आए। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामे दियां तस्वीरां वेखण नूं मिलियां। सर किन्ना वजे लुकोगे सर बाहर तां आउणा पैणा प्लीज सर सर तुसीं सानूं तंग क्यों कर रहे हो सर प्लीज बाहर आओ सर देख के बड़े छोट है मेरे तो पिछे ध्यान रखो दोनों मोहरे खड़े है यार कैमरे ऑन करो तुसी फड़ो ना आगे फड़ो इन्हां जिक्र योग है कि वेखते ही वेखते लोकां दे नाल नाल परिवारक मैंबर भी उत्थे ही इकट्ठे हो गए। लोकां ने इस मौके पुलिस दी कारवाई दे उत्ते भी सवाल चुके। लोकां ने कहा कि पुलिस अपने कर्मचारी नूं बचाउण दे लई कोई कारवाई अमल दे विच नहीं लिया रही। इस मौके लोकां ने उच्च अधिकारियों नूं भी घेरिया। जिक्र योग है कि इस मौके DSP तक दे अधिकारी भी मौके उत्ते पहुंचे। इस दौरान पुलिस पंकज शर्मा दा चेहरा उत्थों दी ढक के उस नूं अपने नाल लै जांदी है। जिक्र योग है कि इस दौरान एक नौजवान मौके उत्ते पहुंचिया अते जिहड़ी लड़की SHO दे नाल पाई गई सी उस नूं उत्थों दी ले जाण दी गल करन लग पिया। लोकां ने इस मौके लड़की नूं उस नौजवान दे नाल भेजण तों इनकार कर दिता। इस मौके पुलिस ने उस नूं भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके जिस शख्स ने यह मकान किराए दे उत्ते लिया होया सी उसने दस्या कि कुछ महीनों तो SHO पंकज शर्मा इत्थे रह रहे ने। इस मौके जिस शख्स का मकान सी उसने कहा कि उसनु शक होया कि अंदर शायद कोई लड़की है। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया पर किसी ने खोलिया नहीं जिस तो बाद उसका शक होर भी पुख्ता हो गया। जिक्र योग है कि यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 4 to 5 घंटे लगातार चलता रहा जिस तो बाद DSP सुरिंदरपाल नु इसकी जानकारी मिली जिस तो बाद उन्होंने मौके उत्ते पहुंच के लोगों को यह विश्वास दवाया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लोग भी सख्त तो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज दी आवाज़।
वो यार अपने कोठी जिंदा लगा मैं अगे भी आना चाहना अगे भी आना कैमरे तो लगे हो मैं आया तो नहीं आया देख लो कैमरे सीसीटीवी कैमरे बोलो थोड़ी की लगती है अपनी भैन बगानी को छड़ जाएगा इन्होंने
अगर उस तो पहला गलबात हो जाती कौन जिम्मेवार ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਗਰੰਟਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਬਾਤ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ और कुड़ी इन्नी हंडी हुई है इन्हें अपनी शक्ल नहीं देखने दी तुसी देख सकते हैं सर ये लेडीज ही है हो सकता है बाद बंदा दस जन पुलिस वाले का कोई इतबार नहीं वैसे मैम प्लीज सर इन्हों की सर प्लीज कहो अपनी लेडी पुलिस इन्हों की शक्ल दिखाओ सर क्यों नहीं दिखाई जा रही क्योंकि एस एच ओ साहब बचाना है एस एच ओ साहब ने कोई होर बंदा आता की शक्ल नहीं दिखाते सर तुम ये साड़ी गवर्नमेंट बहुत बड़ा हो रहा आम आदमी पार्टी जा रहे हैं शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे सर प्लीज क्योंकि सेफ कटने शक्ल इस करके नहीं दिखा रहे पूरी हेल्प करने वास्ते आए तुसी साडी हेल्प वास्ते नहीं आए सर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਐਵੇਂ ਦੇਦਾ ਜਵਾਨ ਆ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਪੜਨਗੇ ਕਿਰਾਏ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਪੜਨਗੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ ਲਓ ਸਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਓ ਆ ਲਓ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ लेकिन चार घंटे तो डीसी डीएसपी साहब भी इतने आए हुए ने एक्शन कुछ नहीं हो रहा पुलिस सिर्फ उदो आ रही है जो इन्होंने अंदरों कढ़ना है अंदर सी चार घंटे तो हुण जदों तो असीं मतलब उहदी कंप्लेंट कीती सी डीएसपी साहब आ रखे सी ते लेकिन सर उन्हां ने फुल हैल्प करी है उन्हां नूं कढ़न दे विच ना कि साड़ी करी है नहीं। ना तो वह सर फोर्स लैके आए कोई साड़ी प्रोटेक्शन वास्ते हुण मुलाजम बंदा वैपन होएगा उहदे को अपना वो साढ़े फेयर कर सकता जी कुछ भी कर सकता है लेकिन बाद बाहर निकलिया कढ़िया गया कढ़िया गया सर पहला सर पहला लेडी भी जो कढ़िया गया लेडी का लेडी ने भी अपना मूँह नहीं दिखाया और इन्होंने लेडी पुलिस लिया उन्होंने लैके जल्दी जल्दी
सानू मतलब उसकी शक्ल नहीं देखने दी। उस तो बाद इनू भी मतलब गल करके इन्होंने साइड के उत्ते जाके उन्हें मूँह बन के अंदरों आया, चार पांच जणे ने उन्हें मतलब जफ्फी पाई है और गड्डी च बिठा के लै गए ने। मतलब उसकी फुल हैल्प की गई है साड़ी हैल्प करने के बजाय, और मैं अपने परिवार को लैके मतलब चार पांच घंटे तो इतने रोड के उत्ते बैठा है भुखा ते आया। कुड़ी है कौन सी जी? सर कुड़ी का सानू नहीं पता कौन सी, मतलब जिस हिसाब ना वो अंदर लुक रही सी, बाहर नहीं निकल रहे इन्ने चिर तो, दोपहर तो असं दोपहर का मतलब उन्होंने बैल बजा रहे हैं, दरवाजा खड़का रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही थी। गड्डी एस एच ओ साहब की है सर, गड्डी एस एच ओ साहब की। पंकज शर्मा है जी इन्हों का नाम, बुलोवाल है मतलब थाने के एस एच ओ ने, तो साढ़े ना शरेआम धक्का कर जा रहा सर। तुम हिसाब लाओ भी डी एस पी साहब भी आए ने, उन्होंने इन्ने मुलाजम से उन्होंने उन्होंने फेवर की ही गल की, उन्होंने अपने बयान के भी एस एच ओ न गलत नहीं ठहरन दिता। सानू कह रहे ने तुसी एस एच तुसी क्यों किराए ते दिता, मतलब असी कौन कुड़ी सी, किस काम लई इत्थे आई सर? मतलब नजायज़ काम वास्ते आई सी। इस तरीके दे नाल तां जिहड़ा गलत काम करन वास्ते आउंदे ने उही आउंदे ने, है ना, धंधा करने वाली आ सकती है। और सर मीडिया हाँ बिल्कुल सर, वो कहते असं बाहर तां कढ़ांगे, पहला मीडिया नूं साइड ते करो, तुसी कौन हुंदे आ, तुसी क्यों दिता सानू, यह कह रहे ने मकान किराए ते क्यों दिता, काम की करदे हो तुसी? सर मैं आर्मी दे विच आ, मेरी एक महीना छुट्टी है, ते बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं अपने अधिकारियों नाल भी गल करांगा, मैं उन्होंने भी कहांगा मैनू इंसाफ दवाओ, ते मेरी सरकार नू भगवंत मान साहब नू यही बेनती है कि इन्ना ज्यादा धक्का तो ना होण दिओ। शरे आम मतलब बंदा साढ़े घर के गंद पा रहा है, नजायज काम कर रहा है सर, बुलोवाल के पिछले कितने समय तो किराए ते रह रहे सर? ये चार पांच महीनों तो रह रहा है, वैसे पहला भी एस एच ओ रह रहे थे, लेकिन वो बहुत वधिया बंदे थे, ये जदों का आया है मतलब ये यही कुछ कर रहा है, पहला भी मतलब देखा सी, लेकिन मैं जॉब पर सी मैनू नहीं पता सी। ठीक है जी सर, अज मैं हथियार नहीं सारा कुछ भी करा सकते हैं, मैं फौजी बंदा, मेरे परिवार ने बाद कल्या रहना है, तो मेरा घर लास्ट के उत्ते है, तुम दसो सारे पासे ओपन है, मैं मेरा परिवार किस तरह रहेगा, यह जो डर मेरा परिवार रह सकता है, एक देश की सेवा करने वाले बंदे नाल ये हाल है मेरा, मैं किस तरह अपनी ड्यूटी करूँगा सर? जे हले भी पुलिस वालों बनती कार्रवाई ना की गई तो फिर की करूँ सर? अभी धरना देवे, मैं तो जो कुछ हो सकया बन सकया मैं करूँगा, लेकिन मैं इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ वास्ते मैं कुछ भी करूँगा, धरने देवे, ठीक है, सरकार को भी जावे, सब कुछ करा, मैं सरकार तो भी मेरी यही मांग है कि मेरी हैल्प करी जाए, कि इन्ना ज़्यादा तो मतलब काले दिन ना लियाओ, इन्ना ज़्यादा धक्का तो लोगों ना करो, कृपा करके। ठीक है जी, है ना।